तो आपके सामने देखें यहाँ पर कितना अंधेरा है। जेनवन जो 1 किलोमीटर वाली लाइट जो है ना, वो ये लाइट है 71-5 के लिए बेस्ट एंड बेस्ट लाइट है। ये ऐसी लाइटें बहुत ही कम आती है। कह लो कि ये साल साल के बाद हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलती है, हम भी बड़े खुश होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी आई है कि हमारे दोस्तों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। यहाँ पर आपको ज़मीन पे पता लग जाएगा आपको कि इसके अंदर कितना दूर जाकर इसमें जाला में बनेगा या लाइट फैलेगी इसकी, या लाइट के अंदर फोकस नहीं रहेगा। आपको अगर यहाँ फोकस ज़बरदस्त नजर आ रहा है ना, समझ लो आपको वहाँ फोकस आपका ज़बरदस्त नजर आएगा। तो ये है 1 किलोमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम, आप देख रहे हैं ऑटो पॉइंट। आज आपने डेमो में देख ली होगी लाइट, बहुत ही कमाल की लाइट है दोस्तों। ये मेरे ख्याल से हर उस शख्स की ज़रूरत है जिसके पास 71-5 है, क्योंकि ये हम सिर्फ 71-5 के लिए मॉडल के लिए लेकर आए हैं। इसमें जो जो बातें मैंने की हैं वो इंशाल्लाह आप ज़रूर उसको सुनिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिएगा। सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिटेल से बताई हुई हैं इसके अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों मेरे पास इस वक्त दो मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि ये दोनों गाड़ियों के लिए आते हैं, सेट के अंदर लाइट्स हैं ये, लेकिन हम इसको अपनी मॉडिफाइड करके 70-5 की लाइट में आपको लगा कर दिखाएंगे इसको आज। तो इसका हम एक एक पीस आपको बाहर निकाल के दिखा देते हैं ज़रा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं और ये 9005 मॉडल है, और जबकि ये जो मॉडल है ये H11 मॉडल है। दोनों की सेम स्पेसिफिकेशन है, दोनों एक ही लाइट्स हैं, सिर्फ इसका फिटिंग का फ़र्क होता है। ये आप देखें यहाँ पर ये 9005 फिटिंग है दी हुई है और यहाँ पर H11 फिटिंग दी हुई है। तो ये इसमें आपको जो ल्यूमन्स मिलते हैं पावर के, वो मिलते हैं 8000 ल्यूमन्स मिलते हैं तकरीबन, और इसके जो वाट हैं तकरीबन ये 100 वाट वाली लाइट के मुताबिक आपको काम करती है। बहुत तेज़ लाइट है इसकी, रिफ्लेक्ट बहुत अच्छा है इसका। तो बॉक्स के ऊपर कोई भी चीज़ आपको कहीं भी मेंशन नहीं होती सिवाय मॉडल नंबर के। सिंगल पॉइंट के साथ लाइट है, इसमें हाई और लो आपको नहीं मिलेगा। टोटल जो है ये एल्युमिनियम बॉडी की हर चीज़ बनी हुई है इसके अंदर। फ़ैन जो है ज़बरदस्त सा फ़ैन लगा हुआ है, वाटरप्रूफ लाइट्स है ये। और पीछे आप इसकी किट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसको किट के ऊपर H11 लिखा हुआ है। ये भी जो बनी हुई है एल्युमिनियम बॉडी में बनी हुई है, ताकि जब हवा लगे तो ये भी ठंडी होती रहे और इसकी हीट जो है वो मज़ीद अंदर सर्किट में ना लगे। तो इसमें जो SMD लगी हुई है, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी वाली SMD लगी हुई है इसके अंदर, जो लेटेस्ट इस वक्त आ रही है। तो इसकी फ़िटिंग आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल फिटिंग है इसकी, कोई आल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप 70 बाइक में जस्ट लाइट लें तो बेहतरीन तरीके से आपकी फ़िट हो जाएगी, जब मर्ज़ी आप इसको उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। और जब भी आप लाइट में लगाते हैं तो अक्सर आप देखा होगा कि फ़ैन जो है पीछे टकराता है केबल के साथ, तो ये भी मसला नहीं होगा इसके अंदर, बहुत इजी फिट हो जाएगी। जितने भी आप मॉडल देख रहे हैं M3 M2 मॉडल, वो उनसे भी छोटे फ़ैन में आपको ये लाइट मिल रही है। तो इसकी किट जो है वो साइड पर रखी जाएगी, ये भी फिटिंग में मसला नहीं करेगी। मज़ीद ये है कि अगर आप ये लगाना चाहो कनेक्टिविटी इसकी, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दी हुई है यहाँ पर, आप इसकी H11 का जैक लगा कर लगा सकते हो। लेकिन मज़ीद जो है ये यहाँ पर अगर आप 70 वगैरह में लगाना चाहो तो ये 1-5 में, तो यहाँ से आप इसको कटिंग करके यहाँ से इसकी दोनों पिने लगा सकते हो, पिने लगा के आप डायरेक्ट अपने इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ 9005 वाला, कि इसकी बिल्ट इन क्वालिटी कैसी है। इसमें भी आपको वही चिप नज़र आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चिप लगी हुई है इसके अंदर, जो कि जिसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत कमाल का होता है। तो ल्यूमन लाइट जो है पावर इसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप ये देखें जी, इसकी वायर जो है ये देखें, इसकी वायर जो है प्लास्टिक कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, इसकी भी ख़राब नहीं होगी, ना हीट करेगी इसकी वायर्स। तो चलते हैं और आपको इन दोनों का हम रिव्यू दिखाते हैं। अच्छा भाई, इस लाइट के ऊपर आपने ज़रूर कमेंट करना है, ये वीडियो को वायरल करनी है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, कम से कम आपका 1000 लाइक्स हमें लाजमी चाहिए इसका, जो कि जल्द से जल्दी आपने पूरा करना है, क्योंकि ये लाइट ज़बरदस्त है। ये जब हमने डेमो आपको इंशाल्लाह देना है ना, आपने फ़ौरन कहना ज़बरदस्त है ये लाइट। अच्छा दोस्तों, इसकी फिटिंग में कोई आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, सिंपल तरीका ये, आपने सिर्फ सिंपल यहाँ पर लगानी है लाइट को और ये फिक्स कर देनी है। यहाँ पर आपने इसको टेप के साथ रोल कर देना है, ताकि ये चीज़ जो है इसके साथ अलग ना हो, बस आपको इतना ही काम करना है। फ़ैन जो है इसका अलग रहेगा, ताकि इसकी जो ठंडक है अंदर जाती रहे इसके लाइट के। अच्छा दोस्तों, हमने ये फिटिंग बना ली है, ये देखें आपके सामने टेप हमने कर ली है, सिंपल टेपिंग करनी है, कोई इस तरह इसमें फिटिंग नहीं बनानी है आपने कोई, और ये वायर जो है नीचे रखनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़मीन पे पता लग जाएगा आपको कि इसके अंदर कितना दूर जाकर इसमें जाला बनेगा या लाइट फैलेगी इसकी, या लाइट के अंदर फोकस नहीं रहेगा। आपको अगर यहाँ फोकस ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ना, समझ लो आपको वहाँ फोकस आपका
जबरदस्त नजर आएगा। तो ये है 1 किलोमीटर वाली लाइट, मेरे ख्याल से जबरदस्त लाइट रहेगी। आगे लाइटिंग नजर आ रही है आपको सामने, तो वहां पर शायद आपको थोड़ा महसूस ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये इजी नजर आ रहा है कि लाइट कितनी जबरदस्त यहाँ पर मिल रही है आपको। तो मेरे ख्याल से 125/70 के लिए तो बेस्ट लाइट है ये, कोई और लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ही लाइट बहुत है, जहां पर मैंने अब लाइट इस वक्त रखी हुई है, ये जबरदस्त जगह होती है, यहाँ पर इतनी लाइट रहनी चाहिए बाइकर के लिए। जो गाड़ियों वाले हैं वो थोड़ा दूर रख सकते हैं, लेकिन जो बाइक्स वाले हैं उनके लिए इतनी लाइट जो है बेस्ट है। जहां पर आप ये देख सकते हैं कि स्पीड ब्रेकअप भी है, और ये तकरीबन काफी मेरे से दूर जो जगह है वो बन जाती है, और यहाँ से आप लाइट्स का अंदाजा लगा लेंगे कितने जबरदस्त लाइट है। तो बहुत ही पावरफुल लाइट है, अगर आप लाइट डाउन रखेंगे तो यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आपने हाई पॉइंट रखना है अपना तो ये सामने रख सकते हो। इसमें सिंगल पॉइंट ही होता है, सिर्फ तेज लाइट होती है। आप इसके साथ अगर आप छोटी लाइटें साइडों पर लगवाना चाहो जो आप लो पे चला सकते हो तो वो भी देख सकते हो, लगा सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा ऊंचा करके आपको उसकी इंटेंसिटी चेक करवा देता हूँ दूर की, कि इंटेंसिटी इसकी कैसी है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी दोस्तों चेक कर सकते हैं, सामने ये देखिए रोडों पे ड्रफ लगे हुए हैं, दोस्तों पर आप इसकी लाइट की थ्रो चेक कर सकते हो कि इंटेंसिटी कितनी पावर पे से जा रही है इसकी आगे सामने की इसकी पावर जो है लाइट की कितनी दूर तक थ्रो करती है। तो रोड के ऊपर तो नज़र आ ही रही है आपको लाइट, लेकिन दूर भी आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये हमने दूसरा मॉडल इसके अंदर लगाया है 9005 वाला। दोस्तों अब ये आप देख सकते हो हमने बगैर टेप के पकड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए पकड़ के हम चेक करवा रहे हैं आपको। तो लाइट इसकी आप सामने चेक कर सकते हो, लाइट ज़बरदस्त है इसकी, उतनी ही लाइट है जितनी पहले वाली की लाइट है। तो सामने आप ये ऊपर चेक कर सकते हो इंटेंसिटी इसकी, तो काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त इंटेंसिटी है इसकी भी, क्योंकि वही चीज़ है वही क्वालिटी है, लेकिन मॉडल चेंज है इसका। आपको ये 9005 में मिल रही है लाइट, और वो है H11 मॉडल। तो दोनों ये गाड़ियों के लिए भी ज़बरदस्त है और बाइक के लिए भी ज़बरदस्त है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपने इन दोनों लाइट्स का रिव्यू देखा है, आपको कैसा लगा है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त लाइट है ये, मिस ना कीजिएगा, ज़रूर इसको परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी लाइट्स बहुत कम आती हैं, बहुत टाइम के बाद आती हैं ऐसी लाइटें। हमें खुद बड़ा इंतज़ार होता है कि कोई अच्छी लाइट आए जिसको हम अपने नाज़रीन के लिए लेकर आएँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो मेरे वो कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसी लाइट दिखाएं जो बहुत तेज़ हो, बहुत तेज़ हो। तो ये तेज़ लाइट लेकर आए हैं आपके। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे दोस्तों के भी ये चीज़ पहुँच सके और वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।